नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आज हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल टैबलेट के बारे में। पेंटोप्राजोल टैबलेट क्या है, पेंटोप्राजोल टैबलेट किन किन बीमारियों में उपयोग किया जाता है, पेंटोप्राजोल कैसे लेना चाहिए, पेंटोप्राजोल का सामान खुराक क्या है, पेंटोप्राजोल का साइड इफेक्ट क्या क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पेंटोप्राजोल टैबलेट डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, जो कि एसिडिटी, गार्ड, पेट के अल्सर के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। पेंटोप्राजोल का टैबलेट का और भी उपयोग है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पेंटोप्राजोल टैबलेट एक प्रोटोन पम्प इनहिबिटर है, जो कि हमारे पेट के अल्सर के लिए उपयोग किए जाते हैं। पेप्टिकल अल्सर क्या है, इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। पेप्टिकल अल्सर एक प्रकार के घाव हैं, जो कि हमारे पेट के भीतर के हिस्से के परप्त में भोजन के नली और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिकल अल्सर के दौरान हमारे पेट में दर्द होता है। ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। ये पेप्टिकल अल्सर का समान लक्षण है। अगर इस अल्सर को समय रहते ही इलाज ना किया जाए तो ये अपने साथ साथ अन्य बीमारी। इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। पेंटोप्राजोल टैबलेट गैस्ट्रिक एसिड को रोकने का काम करता है। यह भोजन द्वारा उत्तेजित होने पर सीने का जलन और गैस्ट्रिक के कारण होने वाले एसिड को रोकता है। यह दिन में एक बार लेने पर पेंटोप्राजोल टैबलेट 24 घंटा में गैस्ट्रिक एसिड को 95% तक रोक देता है। करते हैं पेंटोप्राजोल के सामान्य खुराक के बारे में। पेंटोप्राजोल टैबलेट के उपचार के समय रोगियों की स्थिति तथा दवा के शुरुआती लक्षण के अनुसार बदलता रहता है। अगर आपको सीने में जलन हो रही हो तो पेंटोप्राजोल की टैबलेट 20 मिलीग्राम की दिन में एक बार खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। या आपको पेप्टिकल अल्सर के लिए 40 मिलीग्राम की गोली एक बार लें। या अगर आपको गुदे और जिगर की बीमारी है तो इसे सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत ही डॉक्टर से मिले। तो चलिए जान लेते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट कैसे लें। पेंटोप्राजोल टैबलेट डॉक्टर द्वारा तय की जाती है, इसीलिए तय की गई खुराक से ज़्यादा ना लें। पेंटोप्राजोल टैबलेट मुंह द्वारा लेने पर सबसे अच्छी तरह अवशोषित होता है। इसे सुबह खाली पेट या भोजन के कम आधा घंटा पहले लें। पेंटोप्राजोल टैबलेट एक निश्चित समय से लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं पेंटोप्राजोल टैबलेट को प्रभाव और परिणाम के बारे में। पेंटोप्राजोल टैबलेट लेने पे आधे से एक घंटे ही में ही इसका प्रभाव चालू हो जाता है और 2 से 2.5 घंटा में ही अपने चरम परिणाम तक पहुंच जाता है। तो चलिए जानते हैं पेंटोप्राजोल के साइड इफेक्ट के बारे में। पेंटोप्राजोल के आम साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि दस्त, सिर दर्द, पेट में दर्द, पेट फूलना, त्वचे पे लाल चकत्ते होना, पेट में जोरों का दर्द आदि। अगर आपको पेंटोप्राजोल टैबलेट या प्रोटोन पंप इनहिबिटर से आपको कोई भी एलर्जी है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो अपने फैमिली एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नई नई ड्रग की जानकारी के लिए ठाकुर जी सपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय।